नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, टीचिंग का हो, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, पैट, आरओ, एआरओ, सभी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से, विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पर कराई जाती है। यहाँ तक कि पीसीएस का जो प्री एग्जाम होता है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कराई जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों का पॉलिटी का सेक्शन चल रहा था। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग संवैधानिक विकास का परिचय पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग तमाम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे। उसके बाद अगला टॉपिक था हम लोगों का संविधान सभा। इन दोनों टॉपिक से हम लोग मतलब 200 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अब हम लोगों का तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो दोस्तों, हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, आप घर में जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक बहुत अच्छी तरीके से चीजें याद नहीं होंगी और एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट करने में परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। जैसे दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान विशेषज्ञों ने अनेक देशों के संविधान से महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिया था अपने देश में, ठीक है? महत्वपूर्ण प्रावधानों को विभिन्न प्रकार के देशों के संविधान से अध्ययन किया और अपने भारत देश में अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति के अनुसार उनको हूबहू नहीं, उनको अपनी स्थिति के अनुसार उनमें कुछ संशोधन करके, उनमें कुछ परिवर्तन करके हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया और अपने देश में लागू किया। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भारतीय संविधान में किसी देशी और विदेशी स्रोतों में जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। जब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास कर रहे थे उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे, और आप लोगों में से जो नहीं पढ़े होंगे वो सारी क्लासेस देख लीजिएगा, बहुत फायदेमंद क्लास है। मल्टीपल टाइम्स रिविजन भी कराया गया है, सीक्यूज, वन लाइनर भी बहुत सारे सॉल्व कराए गए हैं, तमाम तरीके की उसमें रिविजन के मेथड भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है और उसमें भारतीय संविधान में जो वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद हम लोगों ने लिए हैं। कुछ को ऐसे ही रख लिया गया है और कुछ में कुछ संशोधन करके रखा गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किस देश से कौन कौन से संविधान के प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है। तो दोस्तों, हमको सब नहीं रटना है, हमको कुछ एक चीज की पॉइंट पढ़ेंगे हम और उसी के सारे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, ठीक है? क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली थी, तो जाहिर सी बात है भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रभाव पड़ेगा। और संसदीय शासन व्यवस्था की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी विशेषताएं थी, लगभग लगभग हमने सबको अपना लिया। जैसे दूसरी व्यवस्था उसकी क्या थी, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, है कि नहीं? जैसे भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती है, उसका संसदीय विशेषाधिकार, जैसे संसद के विशेषाधिकार होते हैं, वैसे ही हम लोग अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 194 में पढ़ते हैं, ठीक है? संसद, अनुच्छेद 105 संसद में और अनुच्छेद 194 में राज्य की विधानसभाओं के जो संसद के विशेषाधिकार होते हैं, विधानमंडली विशेषाधिकार होते हैं, वो पढ़ते हैं। उसके बाद विधि का शासन आ जाता है। विधि का शासन, चूंकि एवी डाइसी एक विद्वान थे, उन्होंने विधि के शासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो विधि के शासन की अवधारणा भी ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया भी वहीं से ली गई है। जाहिर सी बात है, जैसे संविधान, जैसे संसदीय शासन प्रणाली में विधि बनाई जाती थी, वैसे भारत में भी बनाई जाती है। द्विसदन व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, है कि नहीं, वहीं से ली गई। अब हम लोग जब रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब देके कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था या कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को पहली बार विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद में विभाजित किया गया था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? और देखिए, अब वहां पर विधायी शासन और विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद में बांटा गया, तो वही तो दो सदन बाद में बना, है कि नहीं? मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी, वहीं से बाद में धीरे धीरे द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू हुई। अब उसके बाद आता है परमाधिकार लेख और एकल नागरिकता। परमाधिकार लेख लिया गया है और एकल नागरिकता, जैसे भारत देश में कैसी व्यवस्था, एकल नागरिकता की व्यवस्था। कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता। तो ऐसे ही एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन में भी था, तो वहां से एकल नागरिकता का प्रावधान अपने देश में लिया गया है।
तो दोस्तों बहुत आसान होगा, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, है कि नहीं, द्विसदनात्मक व्यवस्था और एकल नागरिकता परमाधिकार, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अब अगला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक, तो अमेरिका के संविधान से हमको बहुत, हम लोग बहुत पढ़े होंगे, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। उसके बाद हमको ध्यान देना, संविधान की प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार के बाद संविधान की प्रस्तावना। यहां पर ध्यान देने की बात है कि संविधान की प्रस्तावना में और संविधान की प्रस्तावना की भाषा दो अलग अलग टर्म है। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यहां ध्यान देंगे, जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे आएंगे तो यहां ध्यान देना है, संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। उसका संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान भी अमेरिका से लिया, जैसे हमारे भारत देश में संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, वैसा ही प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। उसके बाद जहां भी न्यायपालिका के कुछ क्रियाविधियों की बात आएगी वहां अमेरिका ही आंसर जाएगा, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यहां ये ध्यान देने की बात है, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना कैसा होगा? निर्वाचित होगा, ये नहीं कि इंग्लैंड की तरह जैसे वहां का राष्ट्रपति या वहां का ताज, वहां का जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत प्रक्रिया भारत में नहीं है, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। और निर्वाचित राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अगर भारत में राजा वंशानुगत हो या राष्ट्रपति वंशानुगत होता तो कहां से लिया जाता है? ये ब्रिटेन से लिया जाता है कि नहीं। तो यहां से निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से। उसका राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को निर्वाचित करना, राष्ट्रपति को हटाना, ये अमेरिका से लिया गया। महाभियोग अमेरिका से है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को निर्वाचन प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से कुछ चीजें ध्यान में देने वाली बात है, जहां संघात्मक विशेषता से संबंध में बातें आ जाएंगी वहां कनाडा का प्रावधान आ जाएगा। ठीक है, तो संघात्मक विशेषता वाली व्यवस्था जहां से होगी कनाडा आ जाएगा। अब संघात्मक व्यवस्था में जहां भी संघात्मक व्यवस्था आएगी ना वहां संघ और राज्य के बीच में संबंध आ जाएगा तुरंत। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहां से? कनाडा से। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, कहां से लिया गया? कनाडा से। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित है, यह ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया मतलब राज्यपाल का पद नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया मतलब नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल निर्वाचित होगा या मनोनीत होगा, ये वाली प्रक्रिया कनाडा से ली गई। बहुत विवाद हुआ था, बहुत बहस हुई थी संविधान सभा में कि हम राज्यपाल को निर्वाचित करें कि या राज्यपाल को नियुक्त करें, लेकिन अंततः राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन को ध्यान दीजिएगा, परामर्शी न्याय निर्णयन और उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान देना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श देना, ठीक है, ये कहां से? कनाडा से है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से है। ठीक है, राष्ट्रपति को निर्वाचन और राष्ट्रपति को हटाना अमेरिका से है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से है। ठीक, ये चीज ध्यान देना है, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहां से? कनाडा से है। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कहां से? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से, ये सब चीजें ध्यान देनी है। चार पांच बार आप लोग अपने मन से ऐसे बोलेंगे ना, तर्क करेंगे ऐसे, मतलब ऐसे उठा लिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, महाभियोग हटाने की प्रक्रिया कहां से, तो ऐसे चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, अब अगला आता है ऑस्ट्रेलिया, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा। अभी देखिए, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे और संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान की प्रस्तावना ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से ली गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा क्या होगी वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ठीक,
ये ध्यान देना है। उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये चीजें ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची है कि नहीं, और प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची हो गया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है आयरलैंड। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीति निदेशक तत्व, पूरे पॉलिटी का सबसे आसान सा प्रश्न है, सब बहुत बार पूछा गया नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, तो कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, हम आयरलैंड से अभी तक केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है नीति निदेशक तत्व, लेकिन ये देखना है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये कहां से है? आयरलैंड से है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से है लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से है लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से है। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस यहां पर। ठीक, उसके राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से व्यक्तियों का मनोनयन, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है ना, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से, ये वाला प्रावधान कहां से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक, तो आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व तो हो गया है, और उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तीसरा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, ये तीन चीजें ली गई आयरलैंड के संविधान, ये ध्यान देना है। उसका जर्मनी, जर्मनी का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में हिटलर आ जाता है कि नहीं? हिटलर, तो जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया, हिटलर ने आपातकाल लगा दिया समझ लीजिए, है कि नहीं? तो जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ठीक है, मतलब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हमारी क्या होंगी? अनुच्छेद 358-359 के तहत कुछ निलंबित होती है। हमने ये पॉलिटी में अलग से सेक्शन, अलग से क्लास लेके स्पेशल बताया था अनुच्छेद 358-359, और पेट के एग्जाम में 359 अनुच्छेद पूछा भी था। विश्वास ना हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा जाके, जो हमने पेट ओरिएंटेड क्लास कराई थी। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे पेट में, और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हम कराते ही हैं, चूंकि पहले ही बता चुके हम सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन आपको दिलाएंगे, झूठे वादे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हमको पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं। रेलवे में भी, एसएससी में भी सिलेक्शन हो चुका है, रेलवे में भी हो चुका है, पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया है हमने, तो हमको पता है कि वन डे एग्जाम में कैसे कैसे चीजें पूछी जाती हैं, तो भरोसा कर सकते हैं आप हम पे। उसके बाद जर्मनी का हो गया आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का निलंबन, ये कह सकते हैं जर्मनी से दिया गया है। ठीक, अब आता है रूस, बहुत महत्वपूर्ण है, रूस से हम लोग पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य के साथ एक चीज और ली गई है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, न्याय की अवधारणा ली गई है। और कैसा न्याय? तीन प्रकार का न्याय, जब हम आगे पढ़ेंगे ना संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें भी तीन प्रकार की न्याय ली गई है, और वो न्याय कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब अगला आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ध्यान रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मतलब जो राज्यसभा का हमारा गठन है, मतलब अच्छा देखिए, द्वि सदन व्यवस्था कहां से ली गई है? राज्यसभा और लोकसभा सदन, ब्रिटेन से। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य, कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, है कि नहीं? और ये तो मनोनयन हो गया, अब निर्वाचन भी होगा कुछ सदस्यों का, तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, तो राज्यसभा से ही संबंधित तीन बातें हो गई हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें जब आप इन सब चीजों को ऐसे पढ़ेंगे ना, तो कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, पता चला नीचे का पढ़ रहे हैं ऊपर का हम भूल रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से भूलते हैं, हम लोग कनेक्शन नहीं बिठा पाते हैं, इस वजह से हम भूलते हैं, कंसंट्रेट करके पढ़िए। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, अब फ्रांस का संविधान आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रांस का संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक है, मतलब गणतंत्रात्मक व्यवस्था में
ये कहा जाता है भारत का राष्ट्रपति होगा वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, ये वाली प्रक्रिया फ्रांस से ली गई है कि नहीं। अब ये और महत्वपूर्ण बात है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का आदर्श, मतलब जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी वहां का नारा ही था लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी, तो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये विचार कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक, जहां पर ध्यान देना है। तो ऐसे कनेक्ट करके हम चीजों को याद कर सकते हैं कि वहां पे फ्रांस की क्रांति में ये चीज नारा था तो वहां से ये उठाया गया है। रूस में 1920 के दशक में 30 के दशक में लेनिन स्टालिन आते हैं, वो समाजवादी क्रांति की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो ये चीजें वहां से ली गई। जब हम समग्र में अध्ययन करेंगे तब हमको चीजें और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक, लेकिन इतना समग्र में भी नहीं जाना, अपने कोर्स के हिसाब से देखना है, ठीक, समझने के लिए हम ये चीज समझ सकते हैं। अब अगला आता है जापान। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और विधि का शासन कहाँ से लिया गया, अभी हम लोग ऊपर पढ़े ब्रिटेन से विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विधि के समान शासन या विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक। तो ये सब चीजें हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते ही हैं, जैसा कि हम बताए ही हैं कि हम लोग पढ़ेंगे प्लस एमसीक्यूज और वन लाइनर भी सॉल्व करेंगे, यही हमारे प्रैक्टिस में धार देता है, ठीक है ना। बिना और बिना धारदार हथियार के युद्ध के मैदान जीते नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज और वन लाइनर हम जरूर सॉल्व करेंगे, टॉपिक छोटा होगा तो कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉपिक बड़े होंगे तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लेकिन करेंगे जरूर, 90-95% लोग यही गलती करते हैं कि वो एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वन लाइनर सॉल्व ही नहीं करते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन भी बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमको सूची का मिलान करना है, बताइएगा। जैसे मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, हम लोग पढ़े ही थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आप लोग वीडियो को स्टॉप करिएगा और खुद से आंसर सोचिएगा तो और आंसर मिलाइएगा, हम चूंकि ऐसे पढ़ते चले जाएंगे आपको आंसर बताते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, यूके से, मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो यहीं से सी ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, एग्जाम हॉल में तो है नहीं जो मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरीके से करते हैं। आपात उपबंध, जहां आपात आ जाता है, जर्मनी, हिटलर का नाम तो आ ही जाता है, तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि पूरे पॉलिटी का सबसे आसान सा प्रश्न है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। अच्छा, अब आयरलैंड से और कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, आयरलैंड से राज्य का नीति निदेशक तत्व लिया गया है, आयरलैंड से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन लिया गया है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी ली गई है, ठीक। तो इस तरीके से रिविजन करते चलेंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक, ये देख लेंगे हम लोग। उसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दे दे रहा है। अब देखिए, अब भारतीय शासन अधिनियम 1935, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, जाहिर सी बात सही है, विधायी प्रक्रिया सही है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था सही है, एकल नागरिकता भी सही है, और विधि का शासन भी लिया गया वहीं से। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, अभी ऊपर पढ़े थे, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की विधि, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और नीति निदेशक तत्व, तो ये भी सही है। कनाडा के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो ऑस्ट्रेलिया से है, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से, तो कनाडा के संविधान से तो ये है नहीं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब लेकिन यहां पर आप समझिएगा, आप सोच रहे होंगे राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया तो कनाडा से ली गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो अमेरिका से ली गई थी, लोक सेवा आयोग तो ब्रिटेन से, लोक सेवा आयोग मान लेते हैं ब्रिटेन से ही ली गई थी, क्योंकि जब हम लोग 1919 का अधिनियम पढ़ रहे थे तो ली आयोग का गठन हुआ था, और 1926 में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, है ना, तो ये पढ़े तो लोक सेवा आयोग में कंफ्यूजन नहीं होगा, राज्यपाल और न्यायपालिका में कंफ्यूजन हो सकता है। तो राज्यपाल और न्यायपालिका की अवधारणा ब्रिटिश भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल निर्वाचित होगा या नियुक्त होगा, वो कनाडा से। न्यायपालिका की अवधारणा
भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका से ली गई, लेकिन न्यायपालिका की जो अवधारणा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 की है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीके से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से प्रेरित है? अभी ऊपर पढ़े, संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ठीक ठीक है। राज्यपाल के कार्यालय की विशेषता अमेरिकी संविधान से। राज्यपाल के कार्यालय की विशेषता कनाडा के संविधान से। बहुत बढ़िया। ठीक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान। अब देखिए, वाइमर संविधान आप समझिए, वाइमर संविधान जर्मनी का संविधान है। जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। उस संविधान संशोधन तो जर्मनी से लिया नहीं गया है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मतलब तीन के तीनों के तीनों गलत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक। और इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी चीजें आप पढ़ते चले जाइएगा। अब देखिए, कौन निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, युग्मों पर विचार करें, कौन सा सुमेलित है? ठीक। अच्छा, सुमेलित है ये बताना। ठीक है। तो विधि का शासन अमेरिकी संविधान से नहीं, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से है। ठीक है। और विधि और अमेरिका संविधान से विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि के समान संरक्षण है अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति को चुना जाएगा है कि नहीं, कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। बातचीत राष्ट्रपति तो अमेरिका से होगा, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से है। ठीक। तो ये चीज ध्यान दे, कनाडा से तो है ही नहीं, ये ध्यान देना है। सदनों की संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज तो सही है। समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी 1789, हम पहले ही बता चुके भैया 1789 के संविधान से है, वहां से फ्रांसीसी क्रांति से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित है तो जापानी संविधान से, सही है। विधि का शासन हो जाता तो ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो जापान से। विधि के समान संरक्षण है तो अमेरिका से है। ये अंतर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं, अब अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन किसका आंसर क्या जाएगा? 3, 4, 5। तो देखते हैं 3, 4, 5 है कहीं। 3, 4, 5 ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अब अगला हम लोग देखते हैं संवैधानिक विशेषताओं का मिलान करने की। अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को निर्वाचन करना, राष्ट्रपति को हटाना, दोनों अमेरिका से लिया गया है। ठीक। तो पहले का 2 हो जाएगा। देखिए, 2, 2 मतलब एक दूसरे का एक होगा। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का, आपातकाल आया तो भैया हिटलर आ जाएंगे, तुरंत जर्मनी आ जाएगा। एकल नागरिकता तो ब्रिटेन का हो जाएगा। तो संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2, 1, 4, 3 इसका आंसर बी हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से ली गई है कि नहीं, अनुच्छेद 21 में है अपना ये। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन ब्रिटेन से है, और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से है। तो ये जब अंतर आप लोग जितनी बार आएगा उतनी बार रिवाइज करिएगा, तब जाके चीजें याद। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस देश से है भैया? फ्रांस से है। बताए थे 1789 की क्रांति हुई थी फ्रांसीसी, इसी आधार पर हुई थी, इसी। ठीक। अब अगला आता है, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? जाहिर सी बात है, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब अगला देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अब अगला देखिए, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ये, है कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं? विधि का शासन लिया गया है, लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ली गई, ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय की अवधारणा 1935 के अधिनियम से ली गई, लेकिन न्यायालय की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। तो 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, तो 1, 2, 4 है कहीं, बी हो गया आंसर। ठीक। 1, 2, 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना, राज्यों के संघ मतलब संघीय शासन व्यवस्था, भारत राज्यों का एक संघ होगा, संघीय शासन व्यवस्था जहां आएगा वहां कनाडा आ जाएगा। अब कनाडा देखिए कहां है,
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, मतलब कनाडा कहाँ है, अमेरिका के उत्तर में, नॉर्थ अमेरिका में है। जब ब्रिटेन का कब्जा था कनाडा पे तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम लाया गया था, उसी के तहत इसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता था, तो इस वजह से ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ये चीज ध्यान देनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है, हर चीज पूछ सकता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, किंतु हमारा मॉडल किस प्रकार अलग है। संसदीय मॉडल तो हमने किससे अपनाया है, ब्रिटेन से, लेकिन पूछ रहा है किस मामले में हमारा अलग है ब्रिटेन से, तो ये देखते हैं। अब देखिए, विधि निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, परंतु भारत में संसद के विधि निर्माण की शक्तियां सीमाएं निर्धारित हैं। जाहिर सी बात है, सही है, क्योंकि ब्रिटेन, भारत में अगर संसद कोई नियम कानून बनाती है, यदि वो नियम कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको रद्द कर सकती है। तो मतलब संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया कुछ सीमाओं के तहत निर्धारित है, लेकिन ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि या कुछ भी नियम कानून बना सकती है, तो इस मामले में भारत की अलग है ब्रिटेन से। अब अगला कुछ अगला क्या है, तो पहला तो की स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्या, भारत में संसद द्वारा निर्मित किसी अधिनियम के संशोधन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की पीठ को भेजे जाते हैं। जाहिर सी बात है, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दिए थे इसी का, तो ये भी सही है। तो क्या सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना का विचार और उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका उद्देशिका की भाषा दोनों अलग है। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक, बहुत बढ़िया। उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ए ऑप्शन हो गया इसका। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना कहां से ली गई, न्यायालय की संकल्पना 1935 के अधिनियम से। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको हटाने की प्रक्रिया सब अमेरिका के संविधान से ली गई है कि नहीं, ये हो जाएगा। कौन सा लक्षण परिसंघीय और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, मतलब भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, मतलब अमेरिका और भारत में कौन सा समान रूप से पाया जाता है दोनों में। तो देखते, एकल नागरिकता, भारत में तो एकल नागरिकता है, अमेरिका में क्या एकल नागरिकता है? नहीं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, राज्यों की नागरिकता और अमेरिका की नागरिकता। न्यायपालिका की द्वैधता, क्या भारत में न्यायपालिका की द्वैधता है? नहीं है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक, ये भी नहीं होगा। संविधान की तीनों सूचियां है कि नहीं, संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी नहीं होगा है कि नहीं। संविधान के निर्वाचन हेतु उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, मतलब संविधान की व्याख्या करने के लिए, निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारत में भी है, और ये चीज अमेरिकी संविधान में भी, अमेरिका में भी संविधान की व्याख्या न्यायालय के न्यायालय करती है, भारत में भी वही करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। अब संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, तो भैया संघात्मक व्यवस्था जहां आएगा कनाडा आ जाएगा है कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना की गई, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य संघ ही संकल्पना। ऊपर देखिए संघात्मक व्यवस्था दोनों कनाडा से, मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 20वां, भारत के संविधान निर्माता ने सूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। कई बार रिविजन हो रहा है, क्वेश्चन लगाने का यही तो फायदा है, चीजें बहुत बार रिविजन होंगी और हमको याद हो जाएंगी चीजें। अभी वन लाइनर भी आएगा तो वन लाइनर में तो एकदम से याद हो जाएगा। अब देखिए, राज्यसभा के गठन एवं अनुभव में सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे, मतलब राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मनोनीत किया जाता है, यह प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, अभी हम लोग पढ़े थे है कि नहीं, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही बात है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान से मॉडल से लिया गया है, ये भी सही बात है, मतलब मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, भारत का संविधान अधिक लंबा है, अधिक बड़ा है, ठीक है, सही बात है। अब देखिए इसमें कथन और कारण बताना होता है, तो कथन और कारण का उत्तर कैसे खोजते हैं ये समझिएगा, इसमें दो शब्द हैं, क्योंकि क्योंकि और इसलिए, ठीक है, क्योंकि और इसलिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए भारत, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्योंकि लगाएंगे,
भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ऐसी बात है क्या? मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्योंकि क्या, क्योंकि मतलब व्याख्या जो आगे आने वाली व्याख्या है, क्या वो सही है? तो अगर मौलिक अधिकार ना लिए जाते तो क्या भारत का संविधान बड़ा नहीं होता? अभी बड़ा होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी चीज को यदि नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो देखते हैं, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है इसलिए भारतीय संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ऐसा नहीं है। तो मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन कथन मतलब कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो बी इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्योंकि लगाएंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसलिए लगाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसलिए बता रहे हैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, लिखित संविधान का प्रारंभ, जाहिर सी बात है अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि नहीं? सबसे पहला लिखित संविधान पूरे विश्व में अमेरिका का ही था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिया गया है, ये तो पता ही है। अब अगला देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, विधि का शासन कहां से लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है कि नहीं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभी बताए, जापान से लिया गया है ये, है कि नहीं? विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। पर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो क्या हो जाएगा? पहले का भैया दूसरा हो जाएगा, मतलब इन दोनों में कोई सही है, और दूसरे का तीसरा हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देख लेंगे हम लोग, ठीक, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों का वन लाइनर शुरू होता है। वन लाइनर हम लोग 20-25 क्वेश्चन है, फटाफट इसको देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान कहां से प्रेरित है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 1935 के अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, ठीक। अब लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, तो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक, ये ध्यान देना है। आपात उपबंध, आपात मतलब हिटलर, जर्मनी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक, जर्मनी के बीमर संविधान से। विधायिका के सदस्यों को विशेषाधिकार कहां से लिया गया है? जो विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, मतलब संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसद, ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से नहीं, अमेरिका से, बहुत बढ़िया। अब देखिए उद्देशिका की भाषा का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बहुत बढ़िया। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, बहुत बढ़िया। और राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, वो कहां से? आयरलैंड से, ठीक, बहुत अच्छे। समवर्ती सूची तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई, बहुत बढ़िया, दिमाग पर जोर लग रहा है ना, सही है, ज्यादा समय तक याद रहेगा, हमेशा के लिए बस जाएगा दिमाग में, ठीक। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस संविधान से प्रेरित? केंद्र और राज्य का संबंध संघात्मक व्यवस्था, मतलब संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है कि नहीं? ये हो गया। वित्तीय आपात, अब यहां आपात देख के मत जर्मनी लगा दीजिएगा, वित्तीय आपात, पैसे वाला आपात, पैसे वाला आपात कहां से? अमेरिका से लिया गया है, ठीक, अमेरिका के 1789 में अमेरिका आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं पद्धति किस संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन तो अमेरिका, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और उसकी पद्धति आयरलैंड के संविधान, अभी ऊपर डिस्कस किए थे हम लोग, है कि नहीं? उपराष्ट्रपति का पद कहां से प्रेरित है? उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से प्रेरित है, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, कहां से? कनाडा के संविधान से, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन होगा, केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन होगा, मतलब उनके भी संबंध होगा, संघीय व्यवस्था होगी, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक, ये ध्यान देंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आ गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, बहुत बड़े। कितनी बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं, 5-6 बार बोल रहे हैं एक चीज, है कि नहीं? तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो याद तो हो ही जाएगा,
अब देखिए, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा में योगदान के आधार पर 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन किस संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। बहुत बढ़िया, आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के साथ, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, ये हो गया। अब गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। ठीक, अब आगे, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश की क्रांति का नारा था? 1789, फ्रांस की क्रांति से, तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? समाजवादी व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से, संविधान से लिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो दोस्तों हम लोग इसी तरीके से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 20 क्वेश्चन वन लाइनर कर चुके हैं, जो कि हमारी तैयारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह जब तक हम MCQs और वन लाइनर नहीं सॉल्व करते, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमारे कंफ्यूजन दूर नहीं होते हैं, हमारी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। तो दोस्तों ये सब चीजें मस्ट है, मल्टीपल टाइम रिविजन भी मस्ट है। अब इस तरीके से हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि चीजें बहुत समय तक बनी रहे हमारे साथ। नहीं तो हम क्या करते, एक बार एक चीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका उसका रिविजन करने का समय 3-4-5-6 महीने बाद, साल भर बाद आता है, तब तक पीछे भूल जाती है। जब इसी तरीके से हम एक चीज को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक चीजें हमें याद होंगी ही नहीं, आगे पढ़ेंगे पीछे भूलेंगे। ठीक है, तो भूले ना, इसलिए इस तरीके की पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। दोस्तों आप लोग विश्वास मानिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये याद करने का, चीजें समझने का। हमारी सिलेक्शन के पीछे यही रणनीति रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया करिए। ठीक, तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ये सब जो कि नहीं करते हैं, ये सब बहुत जरूरी है करना, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ जो है अब सेशन को समाप्त किया जाता है, अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, धन से पढ़िए। इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।